तो गाइस, तो आज का ये वीडियो है थोड़ा सा टेक्निक के बारे में। तो दोस्तों, ये है हीरो एक्सपल्स। तो दोस्तों, ये एक्सपल्स 200 है, 4V यानी 4 valve। तो दोस्तों, इसका स्टीयरिंग कोण की, जिसके गैरेज की भाषा में बॉल रेसर कहते, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक परेशानी झेलना पड़ेगा। तो वो क्या है? सबसे पहले दोस्तों, ये जो हैंडल बार है और हैंडल बार का जो बॉटम और टॉप, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको जो टॉप नट है, ये टॉप नट ओपन करने के बाद भी आपको एडजस्टर नहीं दिखेगा इधर। तो दोस्तों, एक ट्रिक से इसको सेटिंग करने में, ये दोनों जो 14 नंबर बोल्ट है, इसको ओपन करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। ऊपर की तरफ खींचने से आपको एडजस्टर ना दिख जाएगा। देखो, ये मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ हाथ से। तो दोस्तों, ये अगर आप ये वाला नहीं उठाओगे तो ये वाला एडजस्टर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आपको सामने की जो फेस आपको ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बहुत सारे कस्टमर मुझे बता रहा है, इसका एडजस्ट करने में सारे हेडलाइट को ओपन करना पड़ता है, मीटर को ओपन करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत आपको लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जस्ट हैंडल बार को ओपन करो, टॉप नट को ओपन करो, थोड़ा सा 14 नंबर दोनों बोल्ट को ओपन करके थोड़ा सा प्रेशर डाल के ऊपर की तरफ खींचो, आपको एडजस्टर इधर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला वीडियो शायद आप लोगों के लिए, जितना एक्सपल्स राइडर्स है, इसके लिए शायद हेल्पफुल रहेगा। तो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल इविल लिटिल कस्टम्स। तो आज के लिए इतना ही, बाय।